हेलो गाइस, आई एम बैक. योर फ्रेंडली नेबरहुड अल्फावाइड इज बैक विद न्यू मूवी रिव्यू, और यू कैन से न्यू मूवी सजेशन, जो कि पर्सनली बहुत ज़्यादा हिट किया मेरे को दो जगह बहुत ज़्यादा. आई वांट टू क्लेरिफाई दैट के इसमें स्पॉयलर होंगे इस पूरी वीडियो में मूवी से रिलेटेड. तो अगर तुम थोड़ा भी स्पॉयलर अवॉइड करना चाहते हो तो जाके मूवीज देखो. ये वाली मूवी ज़रूर देखना, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म होती है मूवी. मतलब तुम सोचोगे मैंने शुरुआत में क्या चल रहा है, क्या और आखिर में क्या हो गया. मतलब अगर तुम दूसरी बार मूवी देखोगे तब तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी. मैंने एक बार मूवी देखी और तब मेरे को लास्ट में हिट करी वो जो उसका कंक्लूजन है वो हिट करता है. बट अगर तुम दूसरी बार देखोगे तब तुम्हें सब सेटअप होता हुआ देखेगा, क्योंकि मूवी ही इतनी ब्रिलियंटली बनाई है कि पता ही नहीं चलता पहली वॉचिंग में कि क्या हो रहा है. दूसरे उसमें बहुत अच्छे से समझ आती है, और जो चीज़ें तुमने पहले मिस कर दी होंगी वो दूसरे टाइम बहुत अच्छे से समझ आती है. तो हाँ, आज की मूवी जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है महाराजा. नहीं देखी है तो देखो जाके, बहुत ही नेटफ्लिक्स पे आ गई है, हिंदी डब भी मिल जाएगा तो मज़ा आएगा. तब अगर तुम्हें हिंदी डब में नहीं देखना तो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में जाके सब टाइटल्स में देखो, क्योंकि ये मस्ट वॉच मूवी है. अगर तुम थोड़ा भी ये कहते हो भाई मैं सिनेमा देखता हूँ, ये है सिनेमा. सिनेमा देखता हूँ बोलने से नहीं होता सिनेमा. शुरुआत होती है मूवी की बहुत ही इजी नोट से, हंसी मजाक चल रहा होता है. पर जैसे ही वो 5 मिनट में ड्रिफ्ट मारती है उसकी स्टोरी, तुम्हें लगेगा अरे भाई साहब. क्योंकि अगर तुमने जितना भी सुन रखा है, अगर मैं ये पूरी मूवी तुम्हें बता भी दूंगा तब भी तुम्हें चीज़ें नहीं समझ आएंगी. देख रहे हो, इतनी ब्रिलियंटली लिखा गया कि अगर कोई रिव्यूअर भी उसको बिल्कुल अगर एक्सप्लेन नहीं कर देता तब तक वो मूवी तुम्हारे एक्सपीरियंस को खराब नहीं करने वाली. जैसे अगर मैं बताऊंगा तुम्हें चीज़ें, तुम उसको अलग प्रोस्पेक्टिव से देखोगे, पर जब देखोगे लिटरली मजा आएगा. मूवी का प्लॉट या सिनॉप्सिस कह सकते हैं कुछ ऐसा है कि एक महाराजा एक बार्बर शॉप में काम करने वाला हेयर ड्रेसर है. एक दिन वो अपने घर आता है लेट, तब उसको पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो चुकी है. और चोरी किस चीज़ की हुई है, वो ही सबसे शॉकिंग चीज़ है. चोरी हुई है उसके एक कचरे के डब्बे की, जिसको वो पूछता है, जिसको वो लक्ष्मी बोलता है. हाँ, लक्ष्मी बोलता है वो उसको. वो चोरी हो चुकी है उसको पता चलता है, और वो रिपोर्ट लिखाने FIR करने मतलब जाता है पुलिस स्टेशन, और उसके साथ बहुत ही गलत होता है. मतलब धीरे धीरे तुम मूवी देखोगे तुम्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा फील होने लग जाएगा कि इतने चाटे पड़ रहे हैं और ये बंदा कुछ बोल नहीं रहा, नाम पड़ा है. तो तुम्हें अभी ये लग रहा होगा कि शायद से मूवी का प्लॉट ये नहीं हो सकता, बट यू आर मिसिंग समथिंग रियली गुड. इसीलिए कह रहा हूँ मूवी देखो, तुम्हें जब वो चीज़ें पता चलेंगी क्या है असली बातचीत, या सही में उसका कचरे का डब्बा कहाँ चोरी हुआ और उसके साथ क्या हुआ, तो तुम्हें चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी. शुरुआत के पहले वॉच में तुम्हें लगेगा अरे 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 अच्छा. मतलब इतना सही खेलती है ना मूवी, तुम उसकी टाइमलाइन को भी जज नहीं करते हो. शुरुआत में जब तुम्हारे सामने सब चल रहा होता है तुम उसकी टाइमलाइन को भूल जाते हो. ये सबसे बड़ा स्पॉइलर है इस मूवी का कि उसके अंदर टाइमलाइन हुई हैं. नहीं तो तुम अगर एक प्लेन पर जैसे वो दिखा रहे हैं तुम उसी उसमें देखोगे तो तुम्हें पक्का से पक्का शौक लगेगा. इतना अच्छा मूवी को डिजाइन किया गया, और उसके ऊपर से 4 चांद लगा देती है दोनों लीड एक्टर्स की एक्टिंग. अनुराग कश्यप, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि अनुराग कश्यप भी इतनी तगड़ी एक्टिंग कर सकते हैं. मतलब वो जो पूरी मूवी में ऐसा नहीं कि हाइप कर दिया हो या बहुत ज़्यादा तगड़ा, बट जो लास्ट सीन है जिसमें वो रोते रोते सीढ़ियों से गिर रहा होता है वो सबसे तगड़ा सीन है. मतलब अगर देखा जाए अनुराग कश्यप के जो एक्टिंग रेंज मैंने अभी तक देखी उसमें, वो रोते रोते जो गिर रहा होता है सीढ़ियों से, वो जो गिड़गिड़ा रहा होता है एक चीज़ के लिए, वो जो उसने गलती कर दी है वो कभी ठीक नहीं हो सकती, वो गलती वो जो दिखाया जाता है वो सबसे ज़्यादा हिट करता है इंसान को. और शुरुआत में विजय सेतुपति की एक्टिंग तो इतनी सही है, तुम पहले वॉच में देखोगे ना तो तुम उसके जो एक्शन है उसको कहोगे कि इतना क्यों मायूस से बैठे, या मतलब क्यों ऐसा क्यों है, कुछ तो एक्शन दिखाना चाहिए. बट दूसरी बार तुम जब देखोगे तो तुम्हें समझ आता है उसके एक्शन क्यों हैं. वैसे शुरुआत से उसने एक्शंस ऐसे क्यों कर रखे हैं, तो मैंने जैसे कि बताया कि वो लक्ष्मी की रिपोर्ट लिखाने जाता है पुलिस स्टेशन में, और उसको मिलता गया. पहले शॉर्ट में ही हमें दिखाया था पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को पीट रहा है. मतलब दूसरा जो पुलिस वाला है उसका नाम पुलिस है, असलियत में वो चोर है. आयरनी देख रहे हो तुम, आयरनी चाहती है कि वो घर जाए बट पुलिस स्टेशन में उस पर डंडे बज रहे. और जो लक्ष्मी चोरी हो गई है वो जो बताता है बार बार विजय का कैरेक्टर, तो ऐसा 3-4 बार के बाद ना तुम्हें बहुत फनी लगने लग जाता है वो जैसे ही बोलता है. बट जो लास्ट बारी वो बताता है वहाँ दिल जीत लेता है वो ना. पुलिस वालों को शुरुआत से ही करप्टेड दिखाया है ताकि तुम ना जो असली चीज़ें चलनी है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दो. और जब पहली बार ही महाराजा एक्शन में आता है जो एकदम से उसका हाथ पकड़ के स्मूथली कट होता है, मज़ा आया है. देखो वहाँ से उसकी रूथलेसपन भी पता चलता है कि वो सच में कुछ भी कर सकता है. और कुछ ना कैरेक्टर्स होते हैं जिनको ना शुरुआत से हेट जनरेट करनी पड़ती है अपने लिए ताकि एंड में जो हीरो है उसको अच्छा पे ऑफ मिले.
और विलन बहुत ही गंदा हो, तुम्हें लगे कि हाँ इसको तो मरना ही चाहिए कैसे भी करके, वो ही करता है अनुराग। पहले सीन में आके सर ने जो एक्टिंग करी है या जो उनको सीन मिला है पहला, एस्टेब्लिश ही ऐसे करा गया कि इससे नीच तो इंसान ही नहीं है अभी। और कुछ सीन ना दिखा के तुम्हें जो उसकी इंटेंसिटी है, जिस लेवल पे वो हो रही है चीज़ें खराब, वो तुम्हें जो प्रेजेंस फील कराई जाती है बिना ऑडियंस को, उस डार्कनेस के अंदर ले जाया जाता है बिना दिखाए, वो सबसे रूथलेस होती थी। मतलब पूरी मूवी का सबसे डार्क पार्ट वही है। और वो जो सीन है, वो जब मैं देख रहा था, मैं 10 मिनट के लिए नम था उसके बाद, लिटरली मैं बस, स्क्रीन मेरे सामने थी लैपटॉप की जिस पर मैं चला रहा था मूवी, बट रिएक्शन नहीं आ रहे थे मेरे उस 10 मिनट में। उसके बाद मैं बस नम होकर स्टोरी देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है। और देखो, मैं रोने वाला बंदा हूँ नहीं, हर मूवी में रोता भी नहीं। मेरे शायद से लास्ट में मंजूमल मौज में वो थोड़ा सा आंसू आ गए थे आखिर में जब वो अपने दोस्त को खींच लेते हैं, वो सबसे तगड़ा सीन था, तो वहाँ थोड़ी एक दो आंसू आ गए थे आँखों में, बट मैं रोता नहीं वैसे मूवीज देख के बहुत ज़्यादा, बट इसमें रोया। मतलब लास्ट में फिर से आंसू आ गई, मैं क्यूट नहीं बन रहा हूँ, बट हाँ हो गया सही। और स्टोरी पूरा अपना चक्र पूरा करती है जब वो अपने सीन पे, फर्स्ट सीन पे वापस आती है, जो कि तुम्हें हिट करता है सबसे ज़्यादा इस मूवी में। पर्सनल हिट भी बहुत ज़्यादा मिले, जैसे वो गैराज वाला सीन होता है जिसमें पिटाई हो रही थी, तो ऐसा कुछ मैंने बहुत बार सुन रखा और वो ना मेरे दिमाग में बैठ गया मेरे बहुत ही क्लोज के लिए। हाँ, तो मैंने जब सुना था ना, आज भी कल भी मैं बात कर रहा था उसी बारे में उनसे, तो वो बहुत हिट कर रहा था मेरे को सुनते हुए कि भाई इससे भी ज़्यादा रूथलेस बना हुआ है हमारे साथ, बट वी कॉन्ट डू एनीथिंग बिकॉज वी आर मिडल क्लास। तो ये जो पैसे की भूख है इंसान के अंदर, ये उसके उस चीज़ के लिए नहीं है कि वो उसको रईस बनना है, ये उसके लिए है कि उसको इज्जत चाहिए उस बराबरी की जो उन लोगों ने छीन लिया उनसे कि वो सौदे के नहीं है। सिर्फ इतनी सी लड़ाई है। और लास्ट में मूवी सब जस्टिफाई कर देती है कि महाराजा इतना शांत रहता क्यों था, क्या हुआ था ऐसा, वो सब मूवी जस्टिफाई करके जाती है। और बिना स्पॉइलर के रिव्यू कर दिया मैंने मूवी का, तो मूवी बहुत बढ़िया है, मतलब देखो जाके। लास्ट में अगर तुम्हें मूवी थोड़ी भी अच्छी लगे तो कमेंट में आके कुछ भी उस मूवी के बारे में या मेरे बारे में लिख देना, मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी रिकमेंडेशन कोई तो देख रहा है, एक दो बंदे भी देखेंगे मैं खुश रहूँगा। तो हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, और आते रहना मेरे चैनल अल्फा वर्ल्ड पे, ये तुम्हारा घर है, जब भी मन करे आ जाया करो चैनल पे, वीडियोज देखो और मजे करो। यही तो वो है ना, यही तो डर लेना, तुम्हें तो पता ही है। और मूवी अगर भूल जाते हो तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम महाराजा है, मैं के नगर में अपनी सलून शॉप चलाता हूँ, 10 बजे मैं रात को वापस आया था, उसके बाद क्या हुआ वो तुम्हें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो ठीक।